ब्लैक एंड व्हाइट नया कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, क्या है ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है? देखिए, हम अभी तक कई रियलिटी शोज मैंने जज किए हैं, तो उसमें एक ही चीज़ हमेशा देखी है कि एवरीबडी इज़ वेरी डिप्लोमेटिक, लेकिन दिल में कुछ होता है, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, वो दिखाते हैं कि नहीं यार तुम भी जीतोगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बट फाइनली कंटेस्टेंट्स यहाँ पर जीतने आए हैं। तो हम इस रॉ स्टार शो में इस बार एक चीज़ बहुत डेफिनेट करना चाहते हैं कि जो अपने दिल में है वो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे हो, आप सिर्फ अपने लिए ये बोल रहे हो कि भाई मैं ये जीतूंगा या मैं ये जीत सकता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और उस कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन। तो ग्रे एरिया जो हम बोलते हैं ज़िंदगी के हर पहलू में हमें नज़र आता है, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में नहीं हो सकती। लेकिन एक म्यूज़िक के डिपार्टमेंट में मैंने हमेशा देखा है, फिल्म के डिपार्टमेंट में हमेशा होता है हिट या फ्लॉप, एवरेज भी होती है लेकिन उसकी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रहती, वैल्यू रहती है हिट या फ्लॉप, सही या गलत, ब्लैक एंड वाइट की। तो अगर किसी कंटेस्टेंट को लगता है कि मैं दूसरे कंटेस्टेंट को पछाड़ सकता हूँ, तो उसे ये डेफिनेटली हक है बोलने का, और उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि शायद ये होगा या नहीं, भाई मैं उसे पछाड़ूंगा, मैं उसे कर सकता हूँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट में बोलना चाहिए। या किसी और के लिए ओपिनियन देना है कि किसी ने परफॉर्म किया है, वो परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं, वो शायद उसका दोस्त हो, उसका भाई हो या कोई और हो, लेकिन वो परफॉर्मेंस के लिए ही शुड बी एबल टू क्लैरिटी से यू नो गिव अ जजमेंट कि नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे ये परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी, दूसरे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसको घुमा के बोलना, या ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, ये भी थोड़ा बेटर हो सकता था, वो भी बेटर नहीं, ये परफॉर्मेंस हुई है, तुम्हें क्या लगता है? हम सीधे कंटेस्टेंट्स को सवाल पूछ रहे हैं, पब्लिक को सवाल पूछ रहे हैं कि आपको कौन अच्छा लगा, आप अपना जजमेंट दे सकते हैं, अपने वोट कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर दीजिए। और कंटेस्टेंट को भी बोल रहे हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो, लेकिन वो भूल कर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर इस शो पे बताएं, ताकि ऑडियंस भी जो देखे वो क्लैरिटी से समझ सके, और वो एक डिप्लोमेसी ना हो, बिकॉज इसमें आप किसी का कोई बुरी बात नहीं कह रहे हो, सिर्फ अपना डेफिनेट जजमेंट दे रहे हो, जो एक सब आम जनता के लिए, म्यूजिक के चाहने वालों के लिए एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू होगा शो देखने के लिए। हाँ, हम आपसे जानेंगे, जैसे आपने इस शो में कहा कि हनी सिंह अगर गजल गाएंगे, ऐसे जो भी चीज़ बोलो, पर्सनली आपसे चाहेंगे, आप ऐसा कुछ चाहेंगे कि हनी सिंह गजल कुछ नहीं? मैं क्यों चाहूँगा, मुझे लगता है कि हनी सिंह इतने कमाल के वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो, और वो गजल गा भी सकते हैं, पर मैं अभी ज़रूरी नहीं है कि वो गज़ल गाएं तो ही वो कमाल के आर्टिस्ट हैं, वो अपने जो भी जोन में इतना कमाल प्रूव कर चुके हैं और ज़रूरत पड़ी तो वो गज़ल गाएंगे, बट वो एक गज़ल भी गा सकें उसी की वजह से वो एक कमाल के आर्टिस्ट हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू जजमेंट का नहीं होना चाहिए, वो जो गाते हैं वो कमाल है। हमने कभी भी लेजेंडरी जगजीत सिंह साहब को थोड़ी कहा कि आप रैप करो, तो हम क्यों हनी सिंह जी को कहेंगे कि आप गज़ल गाइए? तो कोई भी आर्टिस्ट का अपना जो फोटे है, वो फोटे वो बार बार दिखा कर 90% ऑफ हिज लाइफ में सक्सेसफुल रह सकता है। और मैंने 650 गाने कंपोज किए हैं, एंड मेलेडी हैज़ बीन कॉन्स्टेंट इन माई सॉन्ग्स। मैं हाई पिच पे गाता हूँ, बट हाई पिच के बाद मैंने 150 सुपरहिट गाने दे चुके हैं और अभी भी गा रहा हूँ, और हर साल गा रहा हूँ, और इतने सालों से गा रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार 50 किस्म के वॉइस में, लाइक जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, उसका वो जो कहावत आपने सुनी होगी। सो आप अपने जोन में रहिए, हाँ कभी मौका मिले तो एक आप अलग तरीके से भी एक गा सकते हैं, बट वो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग अ वेरी गुड आर्टिस्ट इज नॉट बिकॉज ही कैन डू दैट ऑल्सो, ही हैज़ टू बी वेरी गुड इन दैट, इफ ही इज गुड इट्स अ फेदर इन द कैप, बट इट्स नॉट, इट्स ओके। जी जी, देखिए रॉ स्टार एक ऐसा शो है जिसमें इंडिविजुअल आर्टिस्ट को हम बाहर ला रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं, बट एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट अलग किस्म का म्यूज़िक और अलग किस्म की टोनल क्वालिटी, जजमेंट का तरीका बहुत अलग है, जहाँ पर एंटरटेनमेंट को, इमोशनल कनेक्ट को, ऑडियंस कनेक्ट को और सिंगिंग को, तीनों को बहुत मद्देनज़र देखा जा रहा है, लाइव परफॉर्मेंस को। और एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से योयो हनी सिंह ने जो कमाल कमाल के हीरे ढूंढे थे, उनको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का मुझे मौका मिला है, एंड आई डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी टू डू इट, बिकॉज योयो हनी सिंह हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड द टीम इज़ रियली लाइक फैमिली टू मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन रॉ स्टार। जैसे कि आप किसी भी शो को जज करते हैं या मेंटर होते हैं, तो एक अलग जान आ जाती है शो में, तो इस शो के लिए क्या दिमाग में सोचा हुआ? इस शो के लिए तो एक ही मंत्रा है, नो ग्रे ओनली, नो ग्रे ओनली, ब्लैक एंड वाइट। जो है दिल में एक कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट के लिए बोल सकता है, जजमेंट बहुत ही फेयर होगा, ऑडियंस के हाथों होगा, और कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी से नहीं होगा, स्ट्रेट होगा, ब्लैक एंड वाइट। और आपके हिसाब
हिसाब से रॉ स्टार आपके हिसाब से कौन है? मुझे रॉ स्टार में डेफिनेटली अभी इस वक्त अगर किस्मत ने साथ दिया तो दर्शन और ऋतुराज में बहुत ज़बरदस्त फेस ऑफ फिनाले में दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हो आगे, क्योंकि और तीनों जो हैं मोहित है और जेफरी है और अकासा है, ये तीनों में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने ज़िंदगी की बाजी में कई बार ऐसा देखा है कि जो सबसे पीछे चलने वाला जो कछुआ है वो खरगोश को कब हरा देता है, और ये दादी माँ वाली कहानी जो है कितनी सच हो चुकी है। तो हो सकता है कि अकासा और हमारी हमारे ये जो मोहित हैं या जेफरी हैं वो इस रॉ स्टार के कछुए हों और खरगोश जो हैं हमारे दर्शन और ऋतुराज उनको हरा दे, तो ये भी हो सकता है, बट इस वक्त डेफिनेटली दर्शन और ऋतुराज बहुत आगे हैं। जैसे कि दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर कौन सा बैंक अपकमिंग सॉन्ग आने वाला है? अभी एक्शन जैक्सन का तुमसे मिलने का कीड़ा दिल के अंदर है, प्रभुदेवा स्टाइल का गाना है जो मैंने गाया भी है और नाक से बिल्कुल नहीं गाया, तो वो गाना अभी लॉन्च हुआ है। तो इस साल तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त रहा, जुम्मे की रात किक में एक्सपोज के सारे गाने जो बहुत अच्छे रहे, पिक्चर बहुत अच्छी रही, कॉलर ट्यून सैफ अली खान और साजिद खान के साथ बहुत अच्छी रही, तो ओवरऑल बेसिकली बहुत गाने सारे चले हुए हैं। अब एक्शन जैक्सन का म्यूज़िक आ गया है और अगले साल प्रेम रतन धन पायो जो है राजश्री की सलमान भाई के साथ सूरज बरजातिया जी के साथ वो आ रही है, और भूषण कुमार जी की अभिषेक बच्चन स्टारर ऑल इज़ वेल आ रही है। बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू 2015 नाउ। थैंक यू।